ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर जिला में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के अभियान कायाकल्प के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते हमीरपुर के बाल स्कूल में अध्यापकों के लिए 2 दिवसीय कोचिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कोचिंग प्रशिक्षण के शुभारम्भ अवसर पर DC हमीरपुर हरिकेश मीणा ने शिरकत की। शिक्षा विभाग की ओर से कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विज्ञान अध्यापकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में शुरू हो गई है, जिसमें जिला के विभिन्न स्कूलों के गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के 300 अध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला की समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अध्ययनरत कक्षा जमा 1 तथा जमा 2 विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को नीट तथा JEE की मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार करने के दृष्टिगत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। नीट तथा JEE की मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में यह कार्यक्रम 27 जून को शुरू किया गया तथा 31 दिसंबर तक इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि अध्यापक विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करें और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी नीट तथा JEE की परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करें और विशेष ध्यान दें। हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कर उनके बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करें। सरकारी स्कूलों के अध्यापक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण को लेकर वे किसी भी निजी स्कूल में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर के 75 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विज्ञान संकाय के छात्र तथा छात्राएं कायाकल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये जो कायाकल्प है एजुकेशन में लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, और इसके तहत हमने समर क्लासेज भी रखी थी जिसमें लगभग 1000 से ऊपर ज़्यादा बच्चे एनरोल हुए थे, और एक महीने की समर क्लासेज 27 जून से लेके 28 जुलाई तक कंक्लूड हुई थी। इसमें 5-6 टेस्ट भी रखे थे हम लोगों ने, और उसी के कंटिन्यूटी में, क्योंकि कल से सेशन स्टार्ट हुआ है हमारे स्कूलों का 3 अगस्त से, तो उसी कंटिन्यूटी में हमने जो जितने भी साइंस के फैकल्टीज हैं, 75 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल, जिनमें साइंस स्ट्रीम है, उन फैकल्टीज़ का 5 और 6 को वर्कशॉप शेड्यूल किया गया है। उसी शेड्यूल के तहत, वर्कशॉप के तहत हमने मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए हैं। बेसिकली इस वर्कशॉप में हमारा आइडिया ये है कि क्योंकि टीचर्स हमारे सभी बेस्ट क्वालिटी के हैं एंड दे हैव दी ऑल एक्सपीरियंसेस, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल कंपटीशन में, चाहे उधर JEE का एग्ज़ाम है चाहे नीट का एग्ज़ाम है, उस तरह उसमें किस तरह का ट्रेंड चला हुआ है, और हमें किस तरह से दोनों में कॉम्बिनेशन बनाना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और बच्चों को किस तरह से स्मूथली इन कंपटीशन के लिए भी तैयार करना है। इस अवसर पर उपनिदेशक शिक्षा उच्चतर जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राजेंद्र पाल, स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर तथा प्रिंसिपल हिम अकेडमी के पंकज लखनपाल भी उपस्थित थे।